गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों हमने कल इंटर कई दिन से दो तीन वीडियो हमने पढ़ा दिए। ठीक, हम वासुदेव सरणक अयोध्या सिंह उपाध्याय का चैप्टर पढ़ा रहे हैं पवन दूती का। ठीक है, जिसमें राधा जी पवन को दूत बना करके भगवान श्री कृष्ण के पास भेजती हैं। ठीक है, तो इसका हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था, मोती माला लसी तुमका कम्बुसा कंठ होगा। आगे हम ये पढ़ाने जा रहे थे लेकिन फिर हमने बंद कर दिया पढ़ाने, आज हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि शिकारों से घर जाना पड़ा। ठीक है, देखिए लिखा है आगे, देखिए राधा लिखा है, तेरे में है ना या गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मत यो युक्तियों से चलाना, बैठे जो हूँ निस्सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना, जो चित्रों में विरह विद्रोह का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखे आशा है, यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। ठीक, देखो अब इसमें राधा जी जो है वो पवन से कहती हैं, ठीक है, पवन तो पवन है, हवा है, ठीक, वो बता तो सकती नहीं, बोल तो सकती नहीं। ठीक, तो कहती हैं या क्योंकि मुख विहीन है, उसके मुख नहीं है, कैसे बोलेगी, मुख से नहीं बोल के बता सकती है, तो कहती है कि तेरे में है ना या गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। अब राधा जी पवन से कहती, तेरे में तो ये गुण नहीं है कि जो तू मेरे इस दुख को व्यथाओं को पीड़ा को कष्ट को भगवान श्री कृष्ण को सुनाए, क्योंकि तू तो मुख विहीन है, तुम में मुख तेरे मुख नहीं है, यानी तुम इन दुखों को नहीं बता सकती भगवान श्री कृष्ण से। तेरे में है ना या गुण जो तू व्यथा, यानी तेरे में ये गुण नहीं है जो तू मेरे दुख दर्द को दुख को भगवान श्री कृष्ण से कह पाए, यानी तू कह पाने में असमर्थ है। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, इस कारण तुम मेरी व्यथा और संदेश को उन तक पहुंचा देना। और क्या कहती हैं कि व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से, प्रखर माने होता है तेज, मति माने होती है बुद्धि, ठीक, और युक्तियां माने युक्ति, व्यापार माने होता है व्यापार, क्रिया व्यापार। ठीक, तो कहती हैं कि इसलिए तुम अपनी तीव्र बुद्धि से, प्रखर मति माने होता है तीव्र तेज, मत माने बुद्धि, इसलिए तुम अपनी तीव्र बुद्धि से व्यापार युक्तियों का प्रयोग करना या व्यापार युक्तियों के माध्यम से अपने विवेक का प्रयोग करके तुम उनको बता देना। ठीक, कहती है इसलिए तुम अपनी तेज बुद्धि का प्रयोग करके क्रिया व्यापार के माध्यम से, क्रिया व्यापार या युक्तियों के माध्यम से, युक्ति व्यापार के माध्यम से तुम उनको समझा देना या बता देना। कहती है कैसे समझाना, देखिए इसमें बता रही हैं कि तुमको कैसे समझाना है भगवान श्री कृष्ण को, कैसे बताना है, क्योंकि तुम मुख विहीन हो, तुम्हें मुख नहीं है। तो लिखा हुआ है, बैठे जो हो निज सतन में मेघ सी कांति वाले। कहती हैं राधा पवन से कि निज माने अपने सदन माने भवन या घर या महल, ठीक, मेघ सी कांति वाले, मेघ यानी बादलों जैसी चमक वाले, भगवान श्री कृष्ण को बादलों जैसा बताया गया है। ठीक है, तो कहती है कि अगर मेघ के समान या बादलों के समान कांति वाले या चमक वाले यदि भगवान श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हों या अपने घर में वो बैठे हों तो तुमको कैसे वो दिखाई देंगे, बादलों के समान कांति वाले होंगे। ठीक, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना, तो तुम उस भवन के चित्रों को बहुत ही ध्यान से देखना या अत्यंत ध्यान से देखना, जो चित्रों में विरह विद्रोह का मिले चित्र कोई, अगर चित्रों में से कोई विरह विद्रोह, विरह यानी विरह से व्याकुल स्त्री का अगर कोई चित्र तुम्हें दिखाई दे, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, तो उस चित्र के पास जा करके तुम इस भाव से उसे हिलाना, इस भाव से उसे हिलाना कि प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखे, जिससे भगवान श्री कृष्ण चकित होकर के यानी आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र की ओर देखने लगे, जिससे भगवान श्री कृष्ण
आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र की ओर देखने लगे जिस चित्र को तुम हिला रही हो। अब आशा है यह सूरत उनको हो सकेगी हमारी। कहती है कि मैं आशा करती हूँ, राधा पवन से कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण जब उस चित्र को देखेंगे तो उनको हमारी याद जरूर आएगी या आ जाएगी। लिखा है आशा है यूं सूरत, सूरत माने या सुरता जिसे कहते हैं, उनको हो सकेगी हमारी, यानी मैं आशा करती हूँ कि जब तुम ऐसा करोगी ठीक तो भगवान श्री कृष्ण को निश्चय ही हमारी याद आ जाएगी। ठीक, जब कोई तुम विरह से व्याकुल स्त्री का चित्र जब हिलाओगी उनके सामने तो निश्चय ही उनको हमारी याद आ जाएगी, मुझे ऐसी आशा है। ये राधा किससे कहती हैं? पवन से कहती हैं। कह क्यों ऐसा कह रही हैं? क्योंकि पवन के मुख नहीं है, वो ऐसे ही अपने व्यापारों के माध्यम से ठीक क्रियाकलापों के माध्यम से ही भगवान श्री कृष्ण को समझा सकती हैं। आगे देखिए, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से तो जाके सन्निकट उसको और हिला के उसे भी देवात्मा को श्रुति ब्रज के व्याकुलों की कराना। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अब राधा जी पवन से कहती हैं कि अगर इस जिस सदन में भगवान श्री कृष्ण बैठे हों उसी सदन में अगर तुम्हें कोई चित्र उद्यान इस बगीचे का, ठीक, अगर उस सदन में कोई तुमको बगीचे का चित्र टंगा हुआ, चित्र में तस्वीर टंगी हुई दिखाई दे या चित्र बने हुए हो दीवार पर, ठीक, तो जो कोई भी सदन में चित्र उद्यान का हो, अगर उस महल में या घर में अगर कोई तुम्हें उद्यान का या बगीचे का चित्र दिखाई दे और वो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले, और उसमें प्राणी प्राणी विपुल माने होता है बहुत से, उसमें घूमते बावले बावले में सोता है पागल होकर या व्याकुल होकर के, ठीक, और उसमें बहुत से प्राणी पागल होकर के या व्याकुल होकर के इधर उधर घूमते हुए दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसको और हिला के उसे भी, तो सन्निकट माने पास, ठीक, तो उसके भी पास जा करके और उसको भी हिला करके और हिला के उसे भी और उसको भी हिला करके देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। देवात्मा, देवात्मा कहा गया भगवान श्री कृष्ण को, ठीक, तो श्री कृष्ण को सुरति ब्रज के व्याकुलों की, यानी सुरति माने याद, ब्रज माने ब्रज के व्याकुलों की कराना, यानी ब्रज के व्याकुल लोगों की याद भगवान श्री कृष्ण को करा देना। अर्थात जब तुम उन चित्रों को हिलाओगी तो भगवान श्री कृष्ण को याद आ जाएगी कि इसी प्रकार गोकुल में हमारे चले आने के बाद जो वहाँ के पशु पक्षी और जानवर, यानी पशु पक्षी हैं, वो सब व्याकुल होकर के इधर उधर पागल होकर के घूम रहे हैं, उनको जब तुम ऐसा करोगी तो उनको याद जरूर आएगी। ठीक, आगे देखिए बच्चों, देखो क्या लिखा है आगे। लिखा है कोई प्यारा कुसुम कुमलागे में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, दान देना उसी को, यूं देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला मिलाना हो कमल पर को चूमना चाहती है। यानी कोई प्यारा कुसुम कुमलागे में जो पड़ा हो, कहती है अब राधा पवन से कहती है, अगर कोई प्यारा सा पुष्प कुमला करके अगर घर में कहीं पड़ा हुआ तुमको दिखाई दे, यानी जब किसी जो कोई डाली टूट जाती है पेड़ से तो कुमला जाती है, ठीक है, मुरझा जाती है जिसे कहते हैं, तो कहती है कि कोई प्यारा सा पुष्प, ठीक, कुमला गे में जो पड़ा हो, पुष्प माने फूल है, ठीक, फूल अगर पेड़ से लग कर तो कुमला जाएगा, मुरझा जाएगा, कुमला करके अगर रास्ते में सॉरी गे में अगर घर में कहीं पड़ा हुआ हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसे, तो उसको उठा करके भगवान श्री कृष्ण के पैरों पर डाल देना। अर्थात ऐसा करने से उनको याद आ जाएगी कि इसी प्रकार जो है राधा जी हमारे वियोग में व्याकुल होकर के कुंडा गई हैं। यो देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला मिलाना हो कमल पक को चूमना चाहे, कहती कहती है यो देना ऐ पवन बतला, कहती उनको ऐ पवन या ऐ हवा,
तुम उनको ये सब ऐसे बतला देना कि फूल सी एक बाला, इसी फूल के समान एक बाला मिस होती है बालिका, बाला मिस बालिका, यानी इस फूल के समान एक बालिका अर्थात राधा जी। ठीक, मलाना हो मलाना मानो होता है उदास होकर के, मलाना हो कमल पर, मलान यानी उदास होकर के कमल पर, तुम्हारे कमल के समान पैरों को, कमल पर कमल के समान पैरों को चूमना चाहती है, कमल रूपी पैरों को चूमना चाहती है, यानी जिस प्रकार ये जो पुष्प है अपनी पेड़ की डाली से अलग होकर के मुरझा गया है, कुमला गया है। ठीक, और ऐसा पुष्प तुमको कहीं पड़ा हुआ दिखाई दे, यानी तो उसको उठा करके तुम भगवान श्री कृष्ण के पैरों पर डाल देना और बता देना कि इसी पुष्प के समान एक बालिका उदास होकर के तुम्हारे कमल रूपी पैरों को चूमना चाहती है, यानी जिस प्रकार एक पुष्प अपनी डाली से टूट करके कुमला गया, उसी प्रकार एक बालिका यानी राधा जी जो है तुमसे अलग होकर के कुमला गई हैं। ठीक, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे कल फिर हम पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, इसको पढ़ते जाइए और इसको कॉपी में नोट करते जाइए, जितना हम पढ़ाते हैं उसके अर्थ को कॉपी पे नोट कर लीजिए, ताकि आपको दोबारा पढ़ना हो तो उससे देख करके पढ़ सको, वरना फिर वीडियो ढूंढते फिरोगे कि कहाँ पर है, इसके लिए आपको बहुत सारे वीडियो देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो जितना हम पढ़ाते हैं उसको एक कॉपी पे नोट करते जाइए। ठीक है बच्चों, इसके लिए इतना ही, थैंक यू।